हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले ब्लैक क्लोवर द स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग मूवी का नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आस्था और उसका टीम निकल गया था फ्लाइंग एरेना की तरफ, और हमें नेक्स्ट सीन में कॉन्राड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जूलियस को बंदी बना के रखा होता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम देखो तुम्हारे सारे दोस्त मेरे हाथों से कैसे मरते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में जेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आस्था के टीम के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो, और वो अपने मैजिक के जरिए उन लोगों पे एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है और उनका जो प्लेन होता है वो भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपना अपना मैजिक को कॉम्बाइन करके जेस्टर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है। इसके वजह से जेस्टर को जो मैजिक क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है और वो लोग उधर से भागने में कामयाब होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे और दो जादूगर के बादशाह आके हाजिर होता है, और तभी हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्वैग में अपना स्वॉर्ड निकालता है और जो बैरियर होता है उसमें एम कर लेता है। तभी वो दो जादूगर के बादशाह आस्था पे अटैक करने जा रहा ही होता है कि आस्था के दोस्त और उन दोनों को एक दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट कर देते हैं, और तभी आस्था अपने स्वॉर्ड से उस बैरियर में अटैक कर देता है। लेकिन तभी उधर जेस्टर आके उसके स्वॉर्ड में एक हमला कर देता है, लेकिन तभी उधर लियोना के उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। और तभी जेस्टर बताता है कि बहुत ही बढ़िया, लेकिन तुम लोग इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बैरियर अगर टूट भी जाएगा तो इंपीरियल शॉट के कारण बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। और तभी जेस्टर आस्था के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उधर योनो आके उसे एक बहुत ही खतरनाक अटैक से दूर फेंक देता है, और तभी जेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जेस्टर और योनो के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हो रहा होता है, और इनमें सभी लोग योनो की हेल्प कर रहे होते हैं। और तभी आस्था और उसके बाकी सारे साथी के मदद से वो लोग बहुत ही तेजी से बैरियर की तरफ जा रहा होता है, और आस्था उसके स्वॉर्ड बैरियर में घुसा देता है और बहुत ही खतरनाक एनर्जी यूज हो रहा होता है। लेकिन तभी वो लोग बैरियर के अंदर एक छोटा सा छेद करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और सक्सेसफुली आस्था और योनो बैरियर के अंदर चला जाता है और बाकी लोग बाहर ही रह जाते हैं। और तभी हमें कॉन्राड के क्लोन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके क्लोन आस्था और योनो के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देते हैं, और वो दोनों भी उसे डॉज कर लेते हैं। तभी योनो बोलता है कि आस्था तुम जल्दी से कॉन्राड के पास जाओ, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तभी उधर जेस्टर भी आ जाता है, और योनो का हमें एक नया रूप देखने को मिलता है जो कि होता है स्पिरिट एसिमिलेशन स्पिरिट ड्राइव। और हमें नेक्स्ट सीन में लियोन और प्रिंसिया को दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन बोलता है कि एक जादूगर का बादशाह जिसके पास हजारों सैनिकों जैसी पावर है उसके साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये फाइट बहुत ही मजेदार होने वाला है। और तभी प्रिंसिया एंडलेस डोमिनेशन से बहुत सारे सैनिकों को क्रिएट कर लेता है, लेकिन तभी लियोन एक ही झटके में फायर अटैक से सारे के सारे सैनिकों को मार देता है। और हमें नेक्स्ट सीन में योनो और जेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते, तभी जेस्टर योनो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देते है और योनो जाके नीचे गिरता है। तभी जेस्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था बच्चे, क्या तुम मेरे हाथों से बच सकते हो, और तुम कितना ज्यादा बुद्धू हो जो कि मेरे साथ फाइट करने आए हो। और जेस्टर अपने मैजिकल पावर से बहुत सारे नुकेले भाला को क्रिएट करके योनो के ऊपर मार देता है। तभी योनो सभी शॉट से डॉज करते हुए बोलता है कि असल में बेवकूफ मैं नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो। तभी जेस्टर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, और तभी योनो के पीछे से कैप्टन यामी आते हैं, और तभी जेस्टर समझ पाता है कि असल में योनो का ये एक चाल था जो कि जेस्टर समझ नहीं पाया होता है, इसलिए योनो मार खा रहा होता है ताकि वो कैप्टन यामी को चुरा सके। और तभी उधर फुएगोलियन और नोजेला के हाजिर होता है, और वो दोनों मिलके जेस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेस्टर तभी बहुत ही बैडस मोड में आ जाता है और वो अपने पावर को दिखाने लगता है और बोलने लगता है कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं दिखाऊंगा असली जादू किसे बोलते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में आस्था के बाकी साथी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आइज वाले विजार्ड किंग से लड़ रहे होते हैं, और उनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइटिंग हो रहा होता है, और लोग बहुत ही मुश्किल से उस जादूगर के बादशाह को काबू कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जादूगर बादशाह गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अब मैं दिखाता हूँ असली मैजिक, और वो बोलता है कि अभी भी टाइम है, तुम लोग मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ तो शायद मैं सोचूंगा तुम लोगों की जान बख्शने के लिए, और ये मेरा आखिरी ऑफर होगा, अगर तुम लोग तब भी नहीं मानते हो तो तुम लोग इधर मरोगे। तभी वो विजार्ड किंग एक मैजिक यूज करता है जिसका नाम होता है आइस मैजिक वर्ल्ड एंड क्रंच, और इस मैजिक से एक पैलेस क्रिएट हो जाता है और पूरा का पूरा माहौल बहुत ही ठंडा हो जाता है, यहाँ तक कि बाकी लोग भी
इससे हिल भी नहीं पा रहे थे और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और हमें नेक्स्ट सीन में लियोन और प्रिंसिया की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोन बहुत ही खतरनाक हमला प्रिंसिया के ऊपर कर रहा होता है और प्रिंसिया के ऊपर एक खरोच लाने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन तभी प्रिंसिया को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से लियोन को मारना स्टार्ट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिया के बॉडी के ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली सा आर्मर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे नहीं लगा था कि मेरा असली रूप मैं किसी को दिखाने वाला हूँ। और हमें दूसरी तरफ कैप्टन यामी योनो नोजल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग बहुत ही मुश्किल से जेस्टर को रोक रहे होते हैं, लेकिन जेस्टर के ऊपर कोई भी हमला कम नहीं कर रहा होता है और कैप्टन यामी और जेस्टर के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है और वो लोग एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं। और तभी सभी लोग मिल के जेस्टर के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है, लेकिन जेस्टर एक ही झटके में उस हमले को तोड़ देता है। और तभी हमें योनो को दिखाया जाता है, जो कि बैडस मोड में आ गया होता है और जेस्टर के ऊपर जाकर हमला कर देता है और जेस्टर भी उसे संभाल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि योनो का मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में आस्था को दिखाया जाता है, जो कि कॉनराड के पास पहुंच चुका होता है। तभी कॉनराड इंपीरियल शॉट को जमीन में घुसा देता है, तभी उधर एक बहुत ही खतरनाक सा धमाका होता है और कॉनराड बोलता है कि अब तो कोई फायदा नहीं बचा है, क्योंकि मैंने इंपीरियल शॉट का पावर माना की तरंगों में डाल दिया है और अब क्लोवर किंगडम के बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता है, तुम जितने भी कोशिश कर लो आस्था। और हमें नेक्स्ट सीन में प्रिंसिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मेरिलियोना को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। तभी उधर से वो जाने लगता है, तभी मेरिलियोना अपने पैरों पे खड़ा होता है और उसे देखने के बाद प्रिंसिया विश्वास नहीं कर पा रही होती कि अभी भी वो हिल सकता है। तभी मेरिलियोना प्रिंसिया के ऊपर बहुत ही तेजी से एक खतरनाक अटैक कर देता है और उन दोनों में कुछ देर तक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग चल रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में जेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जेस्टर बोलता है कि अब समय आ गया है कि एक असली जादूगर का बादशाह क्या कर सकता है, अब तुम लोग देखोगे। और जेस्टर एक बहुत ही खतरनाक सा लेजर बीम योनो के ऊपर छोड़ देता है और योनो भी बहुत ही मुश्किल से उसे सर्वाइव कर रहा होता है। तभी जेस्टर हजारों की तादाद में योनो की तरफ लेजर बीम छोड़ रहा होता है, लेकिन तभी उधर कैप्टन यामी और नोजल भी योनो की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी कैप्टन यामी जेस्टर के ऊपर एक अटैक रेडी करता है, जिसका नाम होता है डायमेंशन स्लैश, और उधर एक ड्रैगन को समन कर लेता है और बहुत ही एक खतरनाक सा स्लैश अटैक जेस्टर के ऊपर कर देता है और वो अटैक जाके सीधा जेस्टर के ऊपर लगता है और जेस्टर का बहुत ही बुरे हालात हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए योनो भी जेस्टर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला कर देता है और जेस्टर जो होता है वो दूर जाके बैरियर के साथ जाके लगता है और इसके वजह से जो फ्लाइंग एरिना का बैरियर होता है वो टूट जाता है। लेकिन तभी जेस्टर जो होता है वो डेविल मोड में एंटर करता है और हमें नेक्स्ट सीन में आस्था और कॉनराड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। और जो कॉनराड होता है वो उस चाबी के मैजिक से एक के बाद एक दरवाजे से आस्था के ऊपर अट्रैक्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस दुनिया में एक भी जगह नहीं बचा हुआ है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। लेकिन तभी आस्था बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगला विजेट किंग बनने वाला हूँ। और तभी आस्था अपने फायर स्लैश अटैक से कॉनराड के जितने भी सारे मैजिक डोर होते उसे तबाह कर देता है और आस्था तभी एक खतरनाक मैजिकल पावर से कॉनराड के ऊपर जाके हमला कर देता है और कॉनराड के ऊपर वो हमला सीधा जाके लगता है। लेकिन हमें कॉनराड को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता है और तभी कॉनराड बोलता है कि तुम्हें समझाना बेकार है आस्था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी कॉनराड जो होता है वो अपना मैजिक का शक्ति को यूज करते हुए एक डेमन में कॉन्वर्ट हो जाता है और उसके चारों तरफ बहुत ही सारे मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और हमें नेक्स्ट सीन में आस्था के बाकी सारे साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दूसरे विजार्ड किंग से लड़ रहे होते हैं और वो लोग बहुत ही मुश्किल से उसको उधर रोक के रखे होते हैं और वो लोग मिलके एक के बाद एक उस विजार्ड किंग में अटैक कर रहा होता है, लेकिन उन लोगों का अटैक कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है उस विजार्ड किंग के ऊपर। और हमें दूसरी तरफ आस्था और कॉनराड को दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉनराड अपने मैजिक के जरिए एक लाइटनिंग अटैक आस्था के ऊपर कर देता है, जिससे आस्था का बहुत ही बुरी हालत हो जाता है। तभी कॉनराड जाके आस्था के सीने में एक शॉट घुसा देता है और
उसे उठा के बोलने लगता है कि देखो विज़र्ड किंग का कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि विज़र्ड किंग इस देश को बदल सकते हैं, बल्कि विज़र्ड किंग तो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि जूलियस देखो खुद भी एल्फ के हाथों हार गया और यहाँ तक कि अपनी प्रजा को भी ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और तभी आस्था बोलता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि विज़र्ड किंग हमेशा से ही हमारे राज्य को बचाते हुए आए हैं और जब भी क्लोवर किंगडम में मुसीबत की घड़ी आया है तब विज़र्ड किंग हमारी मदद किया है। और तभी हमें बताया जाता है कि क्लोवर का हर एक पत्ता विश्वास, उम्मीद और लव की प्रतीक है, और चौथे पत्ते में बसते हैं गुड लक, और पांचवा पत्ता जो होता है उसमें बसता है शैतान। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आस्था के अंदर जो शैतान होता है वो जग जाता है और वो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। तभी आस्था के पीठ से और एक पंख निकल आता है और तभी आस्था अपने मैजिक के जरिए कॉन्रैड के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि कॉन्रैड जो होता है वो सीधा जग के जमीन में गिरता है। और तभी कॉन्रैड और आस्था के बीच में बहुत सारे फाइट चल रहा होता है। कभी आस्था कॉन्रैड के ऊपर अटैक करता है तो कभी कॉन्रैड आस्था के ऊपर अटैक कर रहा होता है और एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तभी कॉन्रैड बीस्ट मोड में आ जाता है और आस्था के ऊपर एक अटैक कर देता है और तभी आस्था जमीन में जाकर गिरता है। तो कॉन्रैड आस्था के ऊपर पैर रख के बोल रहा होता है कि एक समय ऐसा भी था जब मैं इस किंगडम से प्यार करता था, इनके लोगों से मैं प्यार करता था, लेकिन इन लोग प्यार के बदले उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और इसलिए मैं एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग बहुत ही शांति से रहेंगे। और तभी आस्था उठ के कॉन्रैड के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम जिस दुनिया को बनाने की बातें कर रहे हो वो एक स्वार्थी दुनिया होगा जिसमें सिर्फ तुम ही खुश रहोगे और कोई भी लोग खुश नहीं रहेगा। और आस्था एक के बाद एक कॉन्रैड के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी आस्था सक्सेसफुली उसे एक काट मारने में कामयाब होता है और तभी आस्था और एक बार करने वाला जाता है, लेकिन तभी उसके शॉट के सामने एक बुक आ जाता है जिसके वजह से नोले का मैजिक नोले को फिर से वापस मिल गया होता है। तभी हमें नोले को दिखाया जाता है जिसके पास मैजिक पावर आ गया होता है और वो एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका नाम होता है वेलकेरी आर्मर, जहाँ पे वो अपने वाटर ड्रैगन की मदद से उस जादूगर के बादशाह के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी सभी लोग मिलके एक एक करके अपने पावर नोले के जरिए उस जादूगर बादशाह के ऊपर मारना स्टार्ट कर देते हैं और जादूगर बादशाह का जो मैजिक का पावर होता है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक के बाद एक उस जादूगर के बादशाह के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और तभी नोले एक फाइनल अटैक करता है और उस जादूगर बादशाह के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा वाटर ड्रैगन से हमला कर देता है जिसके वजह से वो जादूगर उधर ही हार जाता है। और हमें दूसरी तरफ आस्था और कॉन्रैड को दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्था एक के बाद एक कॉन्रैड के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहा होता है और आस्था कॉन्रैड के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और आस्था तभी एक ही झटके में बहुत ही खतरनाक मैजिक पावर यूज करके कॉन्रैड के ऊपर मार देता है, जिससे कि कॉन्रैड बहुत ही दूर जाके गिरता है और जो इंपीरियल स्वॉर्ड होता है उधर टूट जाता है। और हमें दूसरी तरफ उसी जादूगर बादशाह और नोले को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बादशाह बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी नोले बताता है कि मेरा नाम है नोले सिल्वा। और तभी वो जादूगर बोलता है कि अच्छा तुम इस किंगडम के प्रिंसेस हो, और ये बोल के वो जादूगर बादशाह उधर वैनिश्ड हो जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ मेरिलियोना को दिखाया जाता है, जो कि सक्सेसफुली प्रिंसिया को मारने में कामयाब होते हैं और प्रिंसिया भी उधर वैनिश होने लगता है। और हमें दूसरी तरफ आस्था को दिखाया जाता है, जहाँ पे आस्था के सामने कॉन्रैड गिरा पड़ा होता है। तभी कॉन्रैड बोलता है मैं तो मर जाऊंगा लेकिन ये किंगडम बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। तभी डॉम गेट का मैजिक स्टार्ट हो जाता है और कॉन्रैड भी उसके अंदर चला जाता है। और तभी जूलियस को दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिकल स्क्वाड आस्था को लाके देता है और बोलता है कि जाओ आस्था तुम ही हमें बचा सकते हो। और सभी लोग आस्था को मैजिक दे रहे होते हैं ताकि आस्था कॉन्रैड को मारने में सक्सेसफुल हो जाए। और तभी आस्था बहुत ही तेजी से कॉन्रैड की तरफ जाने लगता और कॉन्रैड जो मैजिकल एनर्जी से मीटियोर गिरा रहा होता है उसे एक ही झटके में बहुत सारे मैजिक एनर्जी से आस्था तो उस समय काट देता है और सक्सेसफुली आस्था कॉन्रैड को मारने में कामयाब हो जाता है। और हमें कॉन्रैड और उसके बाकी साथी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग एक एक करके वैनिश्ड हो जाते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में जूलियस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कॉन्रैड एक अच्छा बंदा था बिल्कुल आस्था की तरह, जो कि इस कंट्री के लोगों के साथ प्यार करता था, लेकिन एक दिन शाही परिवार ने उसके साथ धोखा कर दिया और उसके वाइफ और उसके साथी को मार दिया था, इसी वजह से कॉन्रैड बदल गया था। और जूलियस आस्था को थैंक यू बोलता है इस किंगडम और इनके लोगों को बचाने के लिए। और तभी आस्था बोलते हैं जादूगर बादशाह है कितने ज्यादा ग्रेट होते हैं और मैं एक दिन अपने मेहनत से जादूगर का बादशाह बन जाऊंगा और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और यहाँ पे ही ये मूवी एंड हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।